Good morning, students. I, Swain, welcome you back once again to the Gyanmruti online classes. Students, as you know that I was teaching English, and after a few days we are back to school, and I will teach you English grammar today. But we know that we have already finished the courses till the month of October. Up to the month of October, courses are already finished. So now we will do exercises only. In all the videos which we are shooting now, it contains only the exercises. ठीक है बच्चों, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा जो कोर्स है अक्टूबर महीने तक वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. तो अभी अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेस करेंगे. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं आज इंग्लिश ग्रामर से शुरू कर रहा हूँ. चैप्टर वन इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर वन जो है वो क्या है बच्चों, पहले चैप्टर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. पहला एक्सरसाइज ठीक है, उसमें सबसे पहला है देखो बच्चों, मैं बता रहा हूँ, अरेंज द आर्टिकल्स प्रेजेंट इन रोमन रोमी अल्फाबेटिकल ऑर्डर. इसका मतलब बच्चों, आर्टिकल्स का मतलब बच्चों यहाँ सामान. रोमन जो लड़का है उसके रूम में कुछ सामान यहाँ पे रह गए हैं उसके रूम में, तो उसको हमको अल्फाबेटिकली सजाना है. बच्चों अल्फाबेटिकली का मतलब क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, वैसे ही जो जो सामान का नाम ए से आता है वो पहले होगा, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, वैसे ही हमको जेड तक, अगर ऐसे मतलब जेड तक कोई सामान अगर है तो उसको हमको अल्फाबेटिकली सजाना है. तो बच्चों यहाँ बुक्स में बॉल, बुक्स, कर्टन, पेपर, पेन, पिलो, ये सब के कुछ आइटम्स दिए गए हैं, उसको मैं यहाँ पे सीरियली लिखने वाला हूँ. ठीक है, वो है एक्चुअल में एक में मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ. तो आप भी वीडियो को जब भी देखोगे सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर आपको भेजे गए हैं, तो इसको मैं अभी समझाने के लिए आपको लिख दे रहा हूँ. ठीक है बच्चों, सबसे पहला है बॉल, फिर उसके बाद है बुक्स, फिर बच्चों उसके बाद है कर्टन, पेपर, पेन, देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखेंगे कुल मिला के एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस सामान टोटल है. ठीक है बच्चों, यहाँ से हमको एल्फाबेटिकली हम लोग को सजाया गया. मैं यहाँ मेंशन लिख चुका हूँ, सबसे पहले बच्चों देखो ए में से कोई सामान नहीं है, बी से शुरू करते हैं, बी ए एल एल बॉल. फिर बच्चों आप लोग बोलोगे बुक्स क्यों पहले नहीं है, देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले बॉल को है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पहले ए है इसलिए नहीं है, या वो है. तो ए जो है सबसे पहला लेटर अल्फाबेट है, इसलिए बॉल पहला होगा, फिर बुक्स होगा, फिर ए बी सी कटे, बी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ओ तक कोई सामान नहीं है, उसमें पेपर पी, फिर पेन, ए के बाद ई आता है पेन, फिर क्या पिलो, आई आता है पिलो, उसके बाद देखो बच्चो आर एस टी, उसके बाद देखो आर तक कोई सामान नहीं है, यहाँ पे सोफा है सोफा, फिर स्टूल, फिर टेलीविजन, फिर टावर. फिर बच्चों देखो यहाँ पे और दो है, अगर हम कंपेयर करेंगे टेलीविजन और टावर को, तो ये पहले आता है, जो पहले टेलीविजन होगा फिर होगा टावर. ठीक है बच्चों, ये हो गया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर. फिर बच्चों इसके बाद प्रैक्टिस में Thank you.
बोर्ड
वोट का मतलब क्या होता है बच्चों, बकरी। फिर इसके बाद बच्चों जैसे जितने भी आंसर में लिखा है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाना है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ दिस एनिमल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन योर नोटबुक, मींस यहां जितने भी आंसर में लिखा है उसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाएंगे। कैसे होगा बच्चों, इसके बाद वाला ये जो क्वेश्चन है बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, राइट द नेम्स ऑफ दिस एनिमल एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है बच्चों। देखो आंसर के हिसाब से हमको ये करना है, ठीक है बच्चों। जो आंसर हो गया था उससे पहले देखो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले होगा क्या देखो बच्चों, बियर, बी पहले आएगा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे सबसे पहले बियर, उसके बाद कैमल, ये भी ये सब जानवर का नाम है बच्चों, यहाँ तो नहीं है, पहले होगा बियर फिर कैमल, तो क्या होगा कैट, क्योंकि यहाँ पे टी बाद में है, फिर होगा डॉग, ए बी सी डी ई, ई में एक का है बच्चों एलिफेंट, फिर क्या बच्चों क्या था फॉक्स, फिर बच्चों ई एफ जी, जी से भी एक का क्या था जिरा, बच्चों क्या था गोल, फिर बच्चों क्या था फॉक्स, लायन, मंकी, रैबिट, जो उसके बाद क्या था टाइगर, वुल्फ, ज़ेब्रा, देखो बच्चों पूरा बी से जेड तक, बच्चों ए में कोई जानवर का नाम नहीं है, बी से जेड तक देखो, बियर, कैमल, कैट, डॉग, एलिफेंट, फॉक्स, जिराफ, गोट, हॉर्स, लायन, मंकी, रैबिट, टाइगर, वुल्फ, ज़ेब्रा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई से कुछ नहीं है, जे के कोई नहीं है, फिर एल एम एन से भी कोई नहीं है, आर एस एस भी कोई नहीं है, टी डब्ल्यू जेड, तो बच्चों ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो इसके बाद क्या दिया गया है, देयर इज अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रेड थ्री हु आर गोइंग फॉर पिकनिक, यहाँ बच्चों कुछ बच्चों का नाम दिया गया है उसको हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाना है, ठीक है बच्चों। कुछ बच्चे क्लास थ्री के बच्चे जो है वो पिकनिक में गए हुए हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाना है, thank you.
बच्चों देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे कुछ बच्चों का नाम दिया गया है जो पिकनिक में जा रहे हैं, ग्रेड थ्री के बच्चों, आठ दूसरे क्लास के बच्चों, उसको हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है नाम बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नाम एंटर करके लिखूंगा सब। सबसे पहले देखो बच्चों यहाँ पे जो ग्रुप है उसमें ए में बहुत सारे बच्चों का नाम है, अक्षय, एलिस, अमित राणा, अमित शर्मा, अनूप, अनुज और वेद, सब तो ए में। लेकिन बच्चों ए के बाद कौन सा अक्षर पड़ा था वो सबसे जरूरी है। उससे पहले बच्चों पहले अक्षय का नाम है, ठीक है, अक्षय, जे के एल एल, फिर अली एलिश, फिर अमित, तो बच्चों अमित राणा के बाद अमित शर्मा, दोनों अमित हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो सरनेम है उसका जो टाइटल है वो है आर राणा, तो आर पहले आता है उसके बाद आएगा एस, तो अमित राणा के बाद अमित शर्मा। फिर बच्चों उसके बाद अनु, उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पे अनु, यहाँ अनुज है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन ओ पहले आता है उसके बाद आएगा अनुज। उसके बाद अरविंद। फिर बच्चों ए के बाद देखो बच्चों बी में किसी का नाम नहीं है, फिर सी चाणक्य, फिर बच्चों सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे जे ज्योति, फिर कवि पीटर पूजा, दोनों पूजा। देखो बच्चों यहाँ पे दो दो नाम कुछ ऐसे होते हैं जिसके अल्फाबेटिकल स्पेलिंग अलग होते हैं। देखो यहाँ पे दो पूजा है, एक पी डबल ओ जे है, एक पी यू है। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, पी डबल ओ वाली जो लड़की का नाम है कावेरी, पीटर के बाद पूजा, ऋतु, रोहन, रोहित, फिर बच्चों साई ऐसा आ गया, फिर सारा हम चला। एबल
8 Apple X यहां बच्चों देखो यहां पे क्या हुआ सॉरी मैंने यहां पे एक्चुअली किया डायरेक्ट आपको बच्चों दूसरा वाला जो है बच्चों ये ऐसे होगा आंसर एबल एक एप्पल और एक्स भी बच्चों ये यहां पे आते हुए हैं एक्स बी सबसे पहले आ रहा है सी फिर बी फिर एक्स ये हो गया बच्चों दूसरा वाला ठीक है बच्चों तीसरा वाला देखो तीसरा वाला मैं तीसरा वाला कुछ लिख रहा हूं फिर ऐसे देखूंगा तीसरा वाला है हर्ट हिट हर्ट हिट और हेड तो जो ये भी देखो यहां सबसे पहले क्या आ रहा है सबसे पहले आ रहा है हेड ए फिर बच्चों देखो सबसे आखिरी में उसके बाद आएगा आई ओ यू ठीक है बच्चों सबसे पहले इसको हम आंसर कैसे लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे हेड फिर बच्चों हिट हॉट हॉट फिर बच्चों लिखेंगे हॉट ठीक है बच्चों हेड का मतलब होता है लंबा गोल ड्रैगन टाइप का जो टोपी होता है वो उसको फिर उसके बाद हिट हिट मतलब आना होता है और जो मतलब गरम होता है हेड मतलब छोटा सा कुड़ी हल्का ठीक है बच्चों ये हो गया बच्चों तीन बुक इसके बाद और मैं आपको कराऊंगा अभी इसके बाद देखो बच्चों इस पर है नंबर फोर लॉस उसके बाद लेबल जो गया बच्चों क्वेश्चन इसके अंदर मैं लिख लिख बता रहा हूं आपको लेबल क्योंकि सबसे पहले वहां पे ये है उसके बाद बच्चों की लेमन फिर बच्चों लाइन फिर लॉस ठीक है बच्चों चार वर्ड क्या हो गया पहला हो गया लेवल फिर लेवल फिर लाइन और लॉस ठीक है बच्चों ये हो गया चार तो सर नंबर फाइव का क्वेश्चन जो है फाइव का क्या है बच्चों फिग पर फैन और फैट तो यहाँ पे देखो ये दो वर्ड को हम देखते हैं क्या यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा लेकिन एन पहले आएगा ठीक है बच्चों तो इससे पहले आंसर इसका क्या होगा फैन फैन ठीक है बच्चों फिगर पर बच्चों नंबर सिक्स देखो तो नंबर सिक्स पे आपको बताऊंगा मॉल और मैन देखो जो यहाँ हर एक वर्ड में एम और ए है पहले ठीक है उसके बाद सब एल्फर्ड चेंज हो गए इसमें क्या होगा जो सबसे पहले एल एम पहले आएगा इसका आंसर है कॉम जो है ए कॉम फिर उसके बाद जो होगा एम मैट फिर होगा बच्चों मैट ठीक है बच्चों सवाल होगा नंबर सेवन या येलो यमी याच
बच्चों स्विमिंग पूल आपका हो गया है। मुझे यहां देखो सबसे पहले वाई ए पहले यहां पे देखो सी याद कर लो होगा सी एच टी या येलो एंड यमी ये बच्चों जो हो जाएगा सबसे पहले ये होता है थोड़ी और सही आंसर ठीक है। उसके बाद बच्चों जो नंबर एट बॉल बैट बेस और फुट जब तो यहाँ सबसे पहले हर जगह यहाँ ए बी ए को पहले मिलेंगे तो सबसे पहले आएगा क्या बॉल बेस उसके बाद बैट तो आगे में क्या आएगा तो बुश ठीक है बच्चों नंबर एट हो जाएगा क्या बुश ठीक है बच्चों। उसके बाद नाइन एंड इलेवन को क्या बच्चों मैं आपको डायरेक्ट आंसर दिखा दे रहा हूँ ठीक है बच्चों आपको ढूंढना पड़ेगा
सबसे पहले देखो नंबर 9 में है आई, नंबर 12 में क्या बच्चों देखो, नंबर 12 में एल, उसके बाद बच्चों क्या है देखो ओ, पांच में है कि बच्चों ए बी सी डी ई, पांच नंबर में है ये हो जाएगा आई लव। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं 12 15 22 5, फिर इसके बाद बच्चों तीन दो नंबर है यहाँ पे, नंबर नाइन किससे आई हो जाएगा, तीन नंबर में सी है, पांच नंबर में ये क्या होगा आई लव आइस। फिर और एक यहाँ पे है क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो तीन नंबर सी, ये आर, ये ई, ये ए, यहाँ पे नंबर वन क्या है, नंबर वन क्या हो जाएगा वन, तो यहाँ पे उसका फोन का है करना क्या है आपको, हमको ये जो नंबर दिया गया है उसके नीचे कौन कौन से वर्ड्स आएंगे, कौन कौन से एडवर्ब आएंगे उसको हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आई लव आइसक्रीम। ठीक है बच्चों, ये पहला वाला हो गया है, आप समझ सकते हो, अभी दूसरा वाला कर लेते हैं।
red cap is equal to 5. You have me, you have me, me. See here, you have 16, 15, 12, 9, 20, 5. You have to go here, B is over here, so 16 में क्या आता है, हम नंबर चेक करेंगे, 16 में आता है P, O, L, I, T, B, पुराई, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका, नेक्स्ट बच्चों देखो, नंबर, फिर हम लर्न, और एक सेक्शन है लर्न में, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर समझ में आ रहा है, फिर बच्चों देखो लर्न में क्या दिया गया है, the word that has been spelled correctly. Spelled correctly. देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे कुछ पैर में ग्रुप में दो वर्ड दिए गए हैं, उसमें से कौन सा सही है स्पेलिंग में, उसको हमको ठीक करना है। सबसे पहले देखो बच्चों कोऑर्डिनेटर, देखो बच्चों यहाँ पे ये हो गया सिंपल N T O R, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे G लगा है तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है बच्चों। सबसे पहले उसके बाद देखो बच्चों नंबर टू, ग्रीसी, ग्रीसी मतलब आपको पता है बच्चों पैडी का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अच्छे से स्मूथ से चल सके, तो ये होगा बच्चों उसका राइट वर्ड, जो ग्रीसी वर्ड है वो वहां पे होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम आएंगे नंबर तीन पे, बच्चों ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको आप डिक्शनरी में भी ढूंढ सकते हो, डिक्शनरी में ढूंढ के ही सब करना है, ठीक है। नंबर फोर, पार्लियामेंट, ये हो गया बच्चों सबसे सही आंसर, वो गलत है। उसके बाद बच्चों देखो एम्बरसमेंट, ये गलत है बच्चों, ये सही आंसर होगा, ठीक है बच्चों सिंगल एस। अरे बच्चों तो मैं आपको मतलब बताती हूँ यहाँ पे फिर डबल है ऐसे, सॉरी बच्चों मैं बच्चों ये डबल ऐसे कि यहाँ पे सही होगा, ठीक है उधर का।
you would have fulfilled. तो यहाँ पे ये होगा साइकोलॉजी को जो वर्ड जैसे होते हैं बच्चों जहाँ पे पहला लेटर उसको हम प्रोनाउन नहीं कर सकते ठीक है बच्चों उसके बाद हम बैठे हैं एडिटिव लकड़ी का बिल बनाते बच्चों मेटल
तो ये बना हुआ था, ठीक है, मेटलिक दैट इज यूज टू ओपन लॉक्स एंड डोर्स, ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट कोई भी अगर बंद हो, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखो नंबर 9 कि लेफ्ट इज सिटी टू फाइंड अ न्यू जॉब। ये लेफ्ट का मतलब क्या होता है, सॉरी बच्चों, ये लेफ्ट का मतलब क्या होता है, कोई जगह छोड़ देना, जैसे कि आई लेफ्ट द स्कूल, यू लेफ्ट फॉर होम, मींस वो जगह छोड़ देना, तो समथिंग दैट इज, सॉरी नंबर 9 का जो पास्ट टेंस ऑफ लीव, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस में पढ़ चुके हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उसका ये हो जाएगा पास्ट टेंस ऑफ लीव। फिर बच्चों देखो नंबर 10, एरॉन इज मोर कंफर्टेबल यूजिंग हिज लेफ्ट हैंड, ठीक है बच्चों, समथिंग दैट इज ऑन द बेस्ट। बच्चों ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड, मेरा लेफ्ट हैंड है, आपको आपका लेफ्ट हैंड पता होगा, ये लेफ्ट हैंड है, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट, ठीक है बच्चों। 11 नंबर देखो, आई वॉन्ट टू डिपोजिट द मनी इन द बैंक, बच्चों आपको पता है बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, एक्सिस बैंक, नेहरा, बहुत सारे बैंक है, आपको देखे हो तो बैंक का काम क्या है बच्चों, एन इंस्टीट्यूशन वेयर वन कैन डिपोजिट मनी, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे क्या और कुछ चीजें यहाँ पे मैं बोलनी हो, लिखना डिपोजिट मनी एंड एंड कैरी आउट अदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, देखो अदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सिर्फ पैसा जमा नहीं करते हैं, पैसा वहां से निकालते भी हैं, लोन देते हैं, बहुत सारे कागज पत्र का काम भी वहां होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ए बैंक। फिर लोग आखिरी में देखो, सबसे आखिरी वाला है टीना सेट ऑन द रिवर बैंक, मीन्स देखो बच्चों अगर हमारे आसपास पास जो नदी है उसके किनारे में बैठना, टीना समझ लो कोई नदी किनारे में बैठी, दैट इज कॉल्ड बैंक। ये बैंक और बैंक अलग है, लैंड दैट रन्स अलोंग द रिवर ओके, बाजू से जो जगह गुजरता है दैट इज कॉल्ड द बैंक, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, किनारा बोलते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही है, आप मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और आप इसको ध्यान से देखिए, कुछ भी डाउट होगा मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, गुड बाय, बाय।